हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक एंजॉय विद कंप्यूटर फॉर क्लास सिक्स. दिस इज योर फर्स्ट विचुअल क्लास. ओके, राइटर ऑफ दिस बुक इज संगीता उपाध्याय एंड देर आर एट चैप्टर इन योर कंप्यूटर बुक. फर्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. नाउ वी रीड चैप्टर फर्स्ट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. Nowadays, the electronic computer that we see everywhere has gone through various development stages to become a smart machine. These developments are categorized in various generations on the basis of technology. Let us study about the generation in details. जैसे आजकल हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो स्मार्ट मशीन के रूप में आज यहाँ पे है, तो वो बहुत सारी स्टेजों में से होके जनरेशन में से गुजर के आज यहाँ तक पहुँचा है. ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आई है कंप्यूटर की. तो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में. ठीक है, जो जनरेशन है वो बहुत सारी स्टेजों में स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी को निकलते हुए यहाँ तक पहुँची है. पहले जो कंप्यूटर थे वो कैसे थे, जो अब कंप्यूटर हैं वो कैसे हैं. जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं जो वो 1940 से 1955 तक रहे थे. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी सिग्नल को एम्पलीफाई और कंट्रोल करने के लिए. ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, ये आप साइड पे देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं. ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती थी और बाहर जल जाती थी. ओके, और इनको प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए कंडीशनिंग रूम की ज़रूरत थी. ठीक है, और ये साइज़ में इतने बहुत ह्यूज और बड़ी रहती थी इनको कि इंस्टॉल करने के लिए एक बहुत बड़े लार्ज रूम की ज़रूरत रहती थी. ओके, और इस मशीन को फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनको यूज़ करने के लिए उसमें पंचर कार्ड का यूज़ किया जाता था. ठीक है, और नेक्स्ट है दी इंस्ट्रक्शन व फिड इन मशीन लैंग्वेज 0 to 1 बाइनरी लैंग्वेज. यू ऑल नो कंप्यूटर यूज ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच वन 0 to 1. ओके, और इस जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी एग्जाम्पल है इनाइक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 70. ओके, नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1955 से लेकर 1964 तक रही. ठीक है, इसमें जो वैक्यूम ट्यूब से उसमें ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता था. सीधे ट्रांजिस्टर, ये क्या हुए, ट्रांजिस्टर. वैक्यूम ट्यूब्स में इन ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता था. ओके, और ये जो ट्रांजिस्टर थे ये बहुत ही कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते थे और साइज़ में बहुत ही स्मॉल रहते थे फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर. ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर थे वो बड़े रहते थे, उनको इंस्टॉल करने के लिए लार्ज रूम की ज़रूरत रहती थी. ठीक है, इसमें भी पंचर कार्ड यूज़ होते थे डाटा को फीड करने के लिए कंप्यूटर में, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को ही गेन करते थे. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं ये 1964 से 1975 तक चले. जो ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया जाता था, और इसके अलावा इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता था जो साइज़ में बहुत भी स्मॉल रहते थे पिछली जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग. ओके, और इसमें 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन होते थे जो उनको पर सेकंड में ही किया जाता था. ठीक है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को ही रिटर्न करते थे, और ये इसके खर्चीला जो सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही अफोर्डेबल रहते थे, मतलब कम खर्चीले रहते थे. जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें 1975 से लेकर 1988 तक रहे. ओके, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया जाता था. ये जो आप साइड पे देख रहे हैं ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर. इस टाइप का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था, और ये बहुत साइज़ में स्मार्ट रहते थे और मोर पावरफुल रहते थे पिछली जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रहते थे. ये C++, उस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये वाली लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे अपनी जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये 1989 से लेके आज तक भी चल रहे हैं. जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यूज़ किए जाते थे, और ये
हर साल ही पास होते गए कंप्यूटर में, जैसे छोटे से छोटे कंप्यूटर आता गया और प्राइस भी था जो लोअर से लोअर होता गया, ताकि इसको हर लोग, जैसे आजकल कंप्यूटर का प्राइस लो होने से जैसे हर एक घर में स्कूल में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है ऑफिस में। ओके, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनकी डेवलपमेंट स्टेज है जो इसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में भी ये आई जनरेशन। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई आगे, जैसे बेस साइज के बेस पे और फंक्शन के बेस पे। जो माइक्रो कंप्यूटर है, कितने कंप्यूटर यूज हुए टोटली, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन यूज़ इन लेटेस्ट। ओके, टुडे सबसे पहले क्या था, मिनी कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो जनरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, ये यहाँ सब घरों में यूज़ होता है इसका, ठीक है। ये साइज़ में बहुत छोटे रहते हैं और इसको हर एक पर्सन यूज़ कर सकता है, मगर एक पर्सन एक एट ए टाइम इसे यूज़ कर सकता है। और जो माइक्रो कंप्यूटर हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइज किया गया है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप नोटबुक हो गया, पाम टॉप कंप्यूटर हो गया। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो छोटे से रहते हैं साइज में, ये जो देखते हैं आप स्कूल में, मोस्टली स्कूल में ही और ऑफिस में इनका यूज़ किया जाता है। और जो लैपटॉप नोटबुक है वो पर्सनल यूज़ के लिए रहते हैं। जो पाम टॉप है इसे भी आप अपने, जैसे इसके साथ कीबोर्ड नहीं होता और ये साइज में छोटे रहते हैं और ये एक टैबलेट की तरह होते हैं। जैसे आप सपोज स्मार्टफोन है उसे भी आप कहीं भी कैरी करके लेके जा सकती हो, और जो टैबलेट है ये एज इट इज़ वैसा ही है। ओके, जो नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। और जो माइक्रो कंप्यूटर रहते थे वो जो मिनी कंप्यूटर रहते थे वो माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग थोड़े से साइज में बड़े रहते थे, और इनको मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता था, और इसको 200 यूज़र थे जो एट ए टाइम यूज़ कर सकते थे। और ये सबसे पहला ये कंप्यूटर 1960 में आया था, माइक्रो कंप्यूटर की जगह इसको रिप्लेस किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो साइज़ में, ये आप साइड पे देख रहे हैं, ये साइज़ में बड़े रहते थे और बहुत ही खर्चीले रहते थे मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये लगभग 20 मिलियन रुपीज़ का होता था, और जैसे मिनी फ्रेम कंप्यूटर है वो जो 1 to 8 बिट्स एट ए टाइम यूज़ करते थे, और इसमें हज़ारों की संख्या में स्टोरेज डिवाइसेस रहती थी। जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत, ये साइड में आप देख रहे हैं सुपर कंप्यूटर, ये साइज़ में बड़े रहते थे और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर थे मेन फ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, और ये सबसे पहले 1960 में इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। और जो ये मेनली हमें कैलकुलेशन, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए, वेदर को, मौसम विभाग के लिए, और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जैसे मिसाइलें वगैरह वो लॉन्च करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं जो वो 1940 में आए, इन ये अपने जो डाटा था इनकी प्रोसेस है जो वो मेन चलती रहती थी, और ये पैलर सीरीज़ में काम करते थे और मल्टीपल मतलब टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते थे। पर ये डिजिटल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग साइज़ में बड़े रहते थे और इतना ज़्यादा डाटा अपने में स्टोर नहीं कर पाते थे, ये जो एनालॉग कंप्यूटर हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर। जो ये साइड पे आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल्स, ऑफिसेस। ओके, जो डिजिटल कंप्यूटर रहते थे वो मतलब स्कूलों में यूज़ किए जाते थे, उन इनको लेटर वगैरह जैसे सब कुछ इसमें यूज़ होता था, और ये बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करते थे जो कि 0 to 1 तक होती है। ये पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता था। ओके, जो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इसकी एग्जांपल्स हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला के बनता था, ये वाला जो आप साइड पे देख रहे हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो ये हाइब्रिड और एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से मिलके बने थे, और ये डिजिटल आउटपुट इनपुट भी उन्हीं की तरह ही सिग्नल देते थे, ठीक है, जो डिजिटल और एनालॉग हैं, ठीक है। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये कॉस्ट इनकी काफ़ी इफेक्टिव रहती थी, और ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको मैंने आई ऑलरेडी गिव यू क्वेश्चन एंड आंसर टू रिटर्न इन योर कंप्यूटर नोटबुक, सो गेट आप मुझे चेक करवा दें, ठीक है, करके। थैंक्स।